कहते हैं योजना ना बने तो योजना बदलो, लक्ष्य नहीं। शायद यही जुमले के साथ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने अपना प्लान बदला, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाना और योजना राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना। अयोध्या में राजनीतिक पार्टी की घोषणा तो की गई, लेकिन इसके वजूद में आने से पहले ही तोगड़िया ने बड़े बड़े चुनावी वादे भी कर डाले। प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे प्रवीण तोगड़िया अब भारतीय जनता पार्टी के पैरेलल एक नई पार्टी खड़ी करेंगे। फैजाबाद से दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। का नाम और डिटेलिंग भैया जरूर नाम प्रवीण तोगड़िया कहते हैं, राजनीतिक दल घोषित कर रहे हैं तो नाम भी आएगा, बाकी भी डिटेल आएगी। मतलब आप तक ये माना जाए कि राजनीतिक दल का नाम डिसाइड नहीं डिसाइड है तो आज ही सब बताना आवश्यक नहीं है। तो क्या आपकी जो है मुख्य जो है चुनाव, आप चुनाव में भी उतरने जा रहे हैं, क्या घोषणा पत्र में खास बात है? राजनीतिक दल का अर्थ है कि वह चुनाव लड़ेगा। वह 2019 में हिंदुओं की सरकार बने रहने का दावा और वोट मांगेगा। हमने वोट मांगा है और वोट प्राप्त करने के लिए 10,000 फुल टाइम वर्कर, एक बूथ में 25, ऐसे 50 लाख युवक जिनको हम आइडेंटिटी कार्ड देंगे और ये 50 लाख युवक को हमारे साथ जोड़ कर रखेंगे, उनकी व्यवस्था हम 2 महीने में खड़ी करेंगे। चुनाव कौन लड़ेगा, कहाँ लड़ेगा, कैसे, उनके लिए बहुत लंबा समय बचा है, परंतु हम हिंदुओं की सरकार बनाने का संकल्प लेकर निकले। मैंने कहा है सरकार आने के 3 महीने में अयोध्या मथुरा विश्वनाथ तीनों के भव्य मंदिर बनाएंगे, मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा लेकर 2 बच्चों का कंपलसरी कानून बनाकर जनसंख्या नियंत्रित करेंगे, किसानों को सीटू से 1.5 गुना मूल्य और स्वामीनाथन आयोग का अमल यह हम 100 दिन के पहले करेंगे। प्रश्न व्यक्तिगत मैत्री का नहीं है, प्रश्न देश का भविष्य का है और देश का भविष्य की बात आती है तो विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया था। दुख की बात है कि राम भक्तों से पसीने से आई सरकार राम को नहीं करने दे, इससे बड़ा दर्द की बात कौन सी हो सकती है।